इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट को किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे एज ए कैश पेटीएम कैशबैक पेटीएम कैश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पेटीएम में किस तरह से आप उसे रिडीम कर पाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वाली स्क्रीन पर, देन आपको दिखाते हैं किस तरह से हम पेटीएम कैशबैक पॉइंट को पेटीएम कैश के रूप में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने वाली स्क्रीन पर, देन यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पेटीएम कैशबैक का ऑप्शन यहाँ पर खोल रखा है और यहाँ पर हमें 1405 पेटीएम कैशबैक पॉइंट है हमको यहाँ पर मिले हुए हैं। तो हम सिंपली पेटीएम कैशबैक पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं इसको रिडीम करने के लिए। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम पेटीएम कैशबैक पॉइंट का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे जो यहाँ पर ऑफर्स हैं उनको हम ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमको दिया गया है कि मतलब पेटीएम कैशबैक कन्वर्ट पॉइंट टू पेटीएम बैलेंस, जो कि यहाँ पर दिया गया है कि हम अपने जो यहाँ पॉइंट है पेटीएम कैशबैक पॉइंट इसको हम पेटीएम बैलेंस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अगर हम 1100 पॉइंट को रिडीम करते हैं 10 रुपये पेटीएम कैशबैक के रूप में हमको प्राप्त होगा। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 100 रुपीज़ को पेटीएम कैशबैक पॉइंट को 100 रुपीज़ में कन्वर्ट किया था। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप 1100 पॉइंट को रिडीम करके हम 10 रुपये अपने पेटीएम कैशबैक के रूप में इसको हम लेने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हमारे पास 1405 पॉइंट पड़े हुए हैं और हम 1100 पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो कि यह है इसके लिए इनफ होगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल कर आ गया है अवेल फॉर 1100 पॉइंट, सिंपली हम इसको पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन का ऑप्शन आ गया है कंफर्म, तो सिंपली हम कंफर्म कर देते हैं। जैसे आप कंफर्म करते हैं तो लगभग 2 से 3 सेकंड बाद आपका यह है 10 रुपये का पेटीएम गिफ्ट वाउचर यहाँ पर रेडी है और यह हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर में क्रेडिट भी हो चुका है सिंपली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम यहाँ से बैक हो जाते हैं, देन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं पेटीएम कैशबैक पॉइंट में भी 300 हो गया क्योंकि हमने रिडीम कर लिया तो कट गया है। देन आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ बैलेंस हिस्ट्री में जाकर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेटीएम बैलेंस में, सॉरी इसको क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पेटीएम वॉलेट में 0 रुपये पड़े हुए हैं और गिफ्ट वाउचर में 10 रुपये पड़े हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आप पेटीएम कैशबैक पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, उसे एज ए पेटीएम कैश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पेटीएम गिफ्ट वाउचर को अपने वॉलेट में अपने ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं।